तेजी बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार धूमदार शानदार कौन पड़ेगा करोड़पति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत है सभी का। ओके देवियों सपनों देवियों सपनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई ऑल्सो लव यू। देवियों सपनों देखिए, पैदा होने से लेकर के ढलती उम्र तक एक माँ ही है जो हमारी उल्टी सीधी भाषा को समझ लेती है। अरे माँ वहां पे वो रखा ना जरा लाना, तो अब वहां यानी टेबल पे वो यानी मोबाइल रखा है, ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। भाई नहीं। अच्छा अच्छा अम्मा सुनो, मैं बस यहीं तक जाके आता हूं अभी। इस यहीं का मतलब शॉपिंग शॉपिंग करती है जो बहाना है ये माँ ही पकड़ देती है। ए माँ आज कुछ अच्छा बनाओ ना, मतलब इस कुछ अच्छा में पकौड़े की डिमांड जो छुपी हुई है ये अद्भुत खोज एक माँ ही कर पाती है। एक माँ ही है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो चेहरे पढ़ना जानती है। बिल्कुल सही बात। तो दुनिया समझो, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस पूरे हफ्ते को हमने माँ के नाम समर्पित किया है नतमस्तक में, और आज उन्हीं का आशीर्वाद देकर प्लेलॉन्ग के 10 खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर तैयार बैठे हैं। इन सभी को सोनी लिव वेब पर केबीसी प्लेलॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तालियों के साथ उनका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले स्वागत कीजिए जिग्ना आनंदीबेन नायक का, ये राजकोट गुजरात से हैं। राजकुमार शांति देवी सुरेखा, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। सरोदीप मौसमी विश्वास, ये अहमदाबाद गुजरात से। समरजोत सरबजीत कौर, जबलपुर मध्य प्रदेश से। हंसा बहन, लाबू बहन, रादड़िया, ये अमरेली गुजरात से हैं। वल्लभ प्रार्थना सिंत्रे जी, ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। साक्षी सुनीता सदाना, ये हरियाणा से हैं। चांदनी पायल वणजानी, ये जामनगर गुजरात से हैं। फिर आते हैं जया शारदा पटेल, शिमला छत्तीसगढ़ से हैं ये। और अंत में एस अंजलि गीता मणि जी का, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं ये। तो आपने देखा होगा कि जितने भी नाम आज लिए गए हैं उन सब का परिचय में उनकी माँ का नाम भी है, कि माँ को समर्पित है। और कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने, ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली या डी पुडुचेरी। लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी पुडुचेरी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। हमारे सामने आने वाला है, सबसे पहले आता है डी पुडुचेरी, फिर उसके बाद सी दिल्ली, फिर बी चंडीगढ़, और अंत में ए लद्दाख। यह है सही क्रम, डी सी बी ए। अब इसी क्रम में देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। एक दो तीन चार को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आपकी अवस्था है इसका भी प्रबंध है हमारे पास। एक दो तीन।
एक और देने वाले थे, दो और वो नाक के लिए देने वाले थे, इसलिए जोरदार तालियां सबसे के लिए। ओ 4.60 सेकंड, बहुत जल्दी आपने उत्तर दिया है और यही वजह है कि आज आप हॉट सीट पर आ गई हैं। थैंक यू सो मच सर। हमको क्या थैंक यू बोलना है, ये सारा काम आपने किया है और बाकी का जो काम था वो हमने कर दिया है। अब ये जो गंगा जमुना बहती है ना, इसको बंद कर दीजिए आप, आवाज नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। और एकदम खुश रहिए, हंसते फूर्ती रहिए। हाँ जी। और इसीलिए आप यहाँ पर आई हैं। ओके साक्षी, आपके यहाँ माता पिता आए हुए हैं? हाँ जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, भाई साहब प्रणाम, और माता जी आपके भी। क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? हमारी छोटी सी कपड़े की दुकान है सर। अच्छा अच्छा, क्लोथ मर्चेंट है। और माता जी आप? ये हाउस वाइफ है। हाउस मेकर है। हाँ जी। सबसे बढ़िया काम वही होता है और सबसे मुश्किल काम। बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, बहुत से लोग कहते अरे हाउस वाइफ पे क्या है। जब कोविड हुआ तब पता चला इनको है कि नहीं, कि कितना काम जो है वो हाउसवाइफ करती है। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से हम ताली बजा करके आपका स्वागत करते हैं। अरे साक्षी जी, चलिए अब जिस वजह से आप यहाँ पर आई हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दें आपको, कि ये जितने भी नियम हैं खेल के तो आपको पता है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को नदी के अर्थ वाले एक शब्द से पूरा करें, नेकी कर डैश में डाल। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज विद द वर्ड मीनिंग रिवर, नेकी कर डैश में डाल। ऑप्शंस ए आतिश जमीन, सी दरिया, डी साहिल। बी जमीन, ए आतिश, सी दरिया, डी साहिल। सर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेकी कर दरिया में डाल। क्या करें? ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। जी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नेकी कर और दरिया में डाल। हमारे ज्ञाननाथ जी भी अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं। आजकल लोग चाहे काम कैसा भी करें उसे सोशल मीडिया की दरिया में डाल देते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर साक्षी जी, ये रहा। इनमें से किस पनीर व्यंजन के नाम में एक सब्जी का उल्लेख है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज पनीर डिशेस रेफरेंसेस ए वेजिटेबल। ए पनीर टिक्का मसाला, बी मटर पनीर, सी पनीर मक्खन वाला, या डी कढ़ाई पनीर। ये पनीर तो मेरा फेवरेट डिश है, इसीलिए तो लाया यहाँ। खाने को भी मिलेगा सर? नहीं। ठीक है, इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी मटर पनीर। मटर हमारी एक सब्जी रहती है, वेजिटेबल। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये जो कान में आपने दो के बाली लगाया है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। ये बताएंगे इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? गोल गोल है दोनों? नहीं कुछ नहीं है सर। अच्छा, नहीं कई लोग ऐसा गोल गोल उसके अंदर कुछ डालते हैं, उनका नाम, होने वाले का नाम ऐसा कुछ डाल देते हैं कि नहीं? हाँ अभी होने वाला है नहीं ना सर। अरे ये सब लोग यही बोलते हैं, अभी आया नहीं आया नहीं, यहाँ से छूटते ही सब आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं साक्षी जी, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, रेडी? जी सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और देखिए ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो में दिखाए गए पौधे को पहचानें, आइडेंटिफाई द प्लांट शोन इन दिस वीडियो। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द प्लैनेट, इट कैन ग्रो अप टू अ मीटर अ डे, इट्स सीक्रेट इज इन इट्स सेल्स, दे डोंट मल्टीप्लाई, दे स्ट्रेच इंस्टेड। There are over 1,000 different species. देख लिया? जी सर। A. Bamboo, B. अशोक, C. Mango या D. Teak. बांस, अशोक का पेड़, आम
या सागवान? सर ये बहुत लंबा लंबा है, मैंने देखा है इसको कहीं। मैंगो ट्री तो बहुत छोटा रहता है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। इतनी जल्दी? अच्छा चलिए लाइफलाइन, कौन से? शांत हो जाइए बागमती जी। मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन है बैम्बू होना चाहिए, बट मैं ऑडियंस पोल लेना ऑडियंस भी लेना चाहिए। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए, मुझे भी यही लग रहा था। 74% दिया है जनता ने बैम्बू को, क्या कीजिएगा? लॉक किया जाए सर। लॉक किया जाए, ए बैंबू वगैरह है, लॉक किया जाए क्योंकि जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बैंबू दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले पेड़ों में से एक है। इसे दरअसल घास के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन आपने देखा इसीलिए वो वीडियो में आपको देख रहे थे, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देवी सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये हमें सुनील बीबीसी अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ, तो उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा चौथा प्रश्न आपके सामने, ये है 5,000 रुपए का। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम भाषा में इनमें से क्या उस तरल पदार्थ को दर्शाता है जिससे फर्श जो है वो साफ किया जाता? इन कॉमन पार्लेंस विच ऑफ दीज रिफर्स टू अ लिक्विड used to clean the floor? A. Shampoo, B. Sauce, C. Vinegar, D. Phenyl. Shampoo, sauce, vinegar, phenyl. ये काम तो सर मुझे भी घर पे करना पड़ता है। तो उसमें हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए फिनाइल का यूज करते हैं। ओके। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, फिनाइल। डी पे ताला लगा लिया। बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि आपको भी ये काम करना पड़ता है, केवल आपको ही नहीं हमको भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग करते हैं, कभी कभी ऐसी नौबत आती है जहाँ हम सबको उपचार करना पड़ता है। तो ना इसमें शर्मिंदा होने की बात है और ना ही इससे दूर भागने वाली बात है। क्या है? कुछ नहीं है। आगे आप पहला पड़ाव साक्षी जी, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शब्द का उपयोग पढ़ते समय पृष्ठ संख्या को याद रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु और ब्राउजर पर किसी लिंक को सहेजने के लिए भी किया जाता है? विच वर्ड इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिमेंबर अ पेज नंबर व्हाइल रीडिंग एंड अ फीचर टू सेव अ लिंक ऑन अ ब्राउजर? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए स्टैम्प, बी कवर, सी बुकमार्क, या डी इंडेक्स। स्टैम्प, कवर, बुकमार्क, इंडेक्स। पढ़ते समय पृष्ठ संख्या को याद रखने जी, और ब्राउजर पर किसी लिंक को सहेजने के लिए भी किया जाता है जी। स्टैम्प का यूज तो हम नहीं करते हैं। कवर तो बाहर से किसी बुक को चढ़ाया जाता है, कवर भी नहीं होना चाहिए। इंडेक्स जो है वो बुक के स्टार्टिंग में दिया रहता है। 16 सेकंड बाकी बचे हैं। ऑप्शन सी बुकमार्क को लॉक कीजिए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ ये सही उत्तर है। कागज का एक हल्का सा इतना बड़ा स्क्रिप्ट होता है, कागज का या मेटल का या लोहे का या होता है, उसको लगा देते हैं कहाँ पहुँचे कितना पढ़े। और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से ही डिजिटल वर्जन का नाम आया है बुकमार्क, जो कि बाद में इसे फिर से देखने के लिए एक लिंक को आप बुकमार्क करते हैं तो वो लिंक जो है वो वापस आ जाता है याद करने के लिए। ओके, अब बजे का ये बजे। तो ये जो संगीत था ये आपने सुना, ये बदलाव का संगीत है और जैसा कि आप देखते आ रहे होंगे कि बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी जो है वो बदलाव आ गया है। देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है और उनसे उत्तर मांगती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी चली है महाराष्ट्र से पहुंच गई राजस्थान। जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं मुकेश कोठारी अजमेर से केबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा।
कि आज मुझे मौका दिया गया है कि आपके सामने एक सवाल रखूं। आपका सवाल है 1892 में अजमेर की कृत्रिम झील फायसागा का निर्माण किस आपदा के कारण हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी महामारी। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। वोटिंग मीटर आप सबके हाथ में है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि वोटिंग यूनिट नंबर 46। हेलो सर, क्या बात है, वाह वाह, ताली बज जाए इनके लिए। मानवर बधाई हो आपको, आपका शुभ नाम हितेश मेघरा जानी। हितेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा उत्तर क्या था? बी अकाल। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया सर। आपके लिए छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसकी मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी? Who among these died after the conclusion of the Kurukshetra war? ऑप्शन सुनिए, ए द्रोणाचार्य, बी भीष्म, सी जयद्रथ या डी शकुनी। किसकी मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी? जी जी। द्रोणाचार्य, भीष्म, मुझे भीष्म लग रहा है सर। सेकंड बचे सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी भीष्म। बी भीष्म, ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। काफी समय लगाते हैं आप, हमको हमेशा डर लगा रहता है कि घड़ी जो है वो निकल जाएगी, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा खेल। भीष्म घायल होकर के बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो अपनी मृत्यु का समय स्वयं तय कर सकते हैं, तो उन्होंने युद्ध के बाद अपना शरीर जो है वो त्यागा था। ऑलराइट, आगे चलते हैं। साक्षी जी, आठवां प्रश्न आएगा अब आपके सामने और मिलेंगे इसके लिए 80,000 रुपए यदि आपने सही उत्तर दिया तो। एक ही लाइफ लाइन अब बची हुई है आपकी। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक गान का शीर्षक क्या है? What is the name of the official anthem of the 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? ए दिल जश्न बोले, बी खेल जिंदगी का, सी कप ही मंजिल, डी जीत कर मानेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑफिशियल एंथम। अगर आप टेलीविजन वगैरह देखते हैं तो इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। बचे हैं 28 सेकंड। मेरे हिसाब से कप ही मंजिल नहीं होना चाहिए, खेल जिंदगी का भी नहीं। 15 सेकंड बचे। बोले सर, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। कौन सा? ऑप्शन डी। डी जीत कर मानेंगे। जीत कर मानेंगे ये कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए आपको? सर ऐसा याद आ रहा है कि ये सुना था मैंने। आपने सुना था ये? जी सर। कहाँ सुना था आपने? टीवी पर ही। टीवी पर सुना था आपने? साक्षी जी ये गलत हो गया। दिल जश्न बोले
और बहुत सारा इसका वीडियो चल रहा है आजकल टीवी पे। दिल जश्न भोले के वीडियो में आपने देखा होगा रणवीर सिंह और प्रीतम जो कि संगीतकार हैं, वो एक ट्रेन के ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। नहीं देखा आपने टीवी पे? ओहो, आप जीत रही थी अच्छी खासी रकम, लेकिन क्योंकि उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। बैड लक। कोई बात नहीं, फिर से प्रयत्न कीजिएगा। ये जो 10,000 आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। एक ऐप है यहाँ पर हमारे पास, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। अरे नहीं, एक ज्यादा हो गया। ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, देखो समझो, पर्यावरण हम सब की जिम्मेदारी है। आज यदि हम एक वृक्ष लगाएंगे तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, और इसी सोच को लेकर इस मंच ने भी पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया है। इस दौर में हॉट सीट पर आने वाले खिलाड़ी यदि गलत जवाब देते हैं तो हर उस गलत जवाब के बदले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की ओर से 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौर में अब तक 21 खिलाड़ियों ने गलत उत्तर या जवाब दिए हैं, तो इस हिसाब से 2,100 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया, और ये वृक्षारोपण इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की हार में भी पर्यावरण की जीत हो। थैंक यू। अब आएगा समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, बी इंडिया गेट, सी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर, या डी ताजमहल। ए नेशनल वॉर मेमोरियल, बी इंडिया गेट, सी द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, डी ताजमहल। हो गया समय समाप्त, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर, फिर आता है डी ताजमहल, उसके बाद बी इंडिया गेट, और अंत में ए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। सी डी बी ए, ये है क्रम इस प्रश्न का। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, और सबसे कम समय में, मैं बहुत सारे 3 लोगों के सवाए सबने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय, जय शारदा पटेल। पूरे खेल के दौरान हम अपनी पत्नी को याद करते रहेंगे क्योंकि आपका नाम है जया। जी सर। तो जय शारदा पटेल जी जो कि शिमला छत्तीसगढ़ से हैं, ये हॉट सीट पर आ गई हैं। आजकल क्या कर रही हैं आप? सर पहले मेरी गिफ्ट शॉप थी, लेकिन अभी मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं नर्सरी से 10th क्लास तक के बच्चों को टीचिंग देती हूँ, जिसमें ICSE बोर्ड, CG बोर्ड और CBSE बोर्ड, 3 बोर्ड शामिल है। बहुत अच्छी बात है। तो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं आजकल आप? सर अभी मैं 100+ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ओह वाह, क्या बात है। तो कोई एक जगह है जहाँ पर आप उनको पढ़ाते हैं, उनके घर? सर घर पे ही मैनेज करते हैं। आपके घर पे? जी सर। कितना समय निकाल पाते हैं? सर मेरा क्लास मॉर्निंग 8 AM से रात के 8:30 PM तक कंटिन्यू चलता रहता है। 8 से लेकर 8:30 बजे रात तक कंटिन्यू। अपनी देखभाल के लिए समय निकाल पाते हैं कि नहीं आप? मम्मी कर लेती है मेरा देखभाल। ओके ओके। और वो आई हुई है आपके साथ आज, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके जय जी, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए। रूल्स आपको हम नहीं समझाएंगे, वो तो आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट टू यू जय जी। थैंक यू सर।
पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या आम तौर पर उबाल कर बनाया जाता है? In India, which of these drinks is usually prepared by boiling? A. Tea, B. Lemonade, C. Amaras, या D. Buttermilk. चाय, शिकंजी, आमरस या छाछ? Sir, please lock A. चाय. ये चाय पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। मेरा फेवरेट है चाय। चाय? हाँ सर। किसका फेवरेट नहीं है वो? पूरा भारत जो है वो केवल चाय पीता है। है कि नहीं? All right. Okay. आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। 2000 रुपए मिलेगी इसके लिए। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस छवि में विवाह की कौन सी रस्म जो है वो दिखाई गई है? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न लगा है। Which wedding ritual is seen in this image? Can you see the image, please? देख लिया? जी। ऑलराइट, विकल्प ये हैं आपके सामने। ए विदाई, बी हल्दी, सी सप्तपदी या डी वरमाला। सप्तपदी, वरमाला, हल्दी या विदाई? प्लीज लॉक ऑप्शन बी हल्दी। बी हल्दी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे ज्ञाननाथ जी है ना, ये अपनी टिप्पणी मारते रहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आपको हम सुनाते हैं कि शादी एक ऐसी चोट है जिसमें चोट से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। आ गया है ये, इसके लिए मिलेंगे 3000 रुपए। जय शारदा जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अक्षय कुमार की इन फिल्मों का नाम पूरा करें। डैश इज किंग और डैश इज ब्लिंग। कंप्लीट द टाइटल्स ऑफ दीज अक्षय कुमार फिल्म्स। डैश इज किंग एंड डैश इज ब्लिंग। ऑप्शन रखूं? ऑलराइट, ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए चोपड़ा, बी सिंह, सी मेहरा, डी खन्ना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिंह। सिंह बी पे था लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। सिंह इज किंग 2008 में बनी थी और सिंह इज ब्लिंग जो है वो 2015 में बनी थी। दोनों फिल्में अक्षय कुमार की। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लैंडलाइन शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनमें से किसके एक प्रकार को दर्शाने के लिए किया जाता है? द टर्म लैंडलाइन is commonly used to refer to a version of which of these? Are your options aayenge aapke samne? A headphones, B mouse, C television ya D telephone. Headphone, mouse, television ya telephone? Sir please lock D telephone. D telephone pe taala lagaya jaye. Bilkul sahi uttar diya aapne. 5000 jeet gaye. 4 prashnon ka sahi uttar ho gaya. Pehle jo tha wo landline ke zamane mein hamari lifeline cable फोन फ्रेंड की होती थी यहाँ पर, लेकिन अब मोबाइल आ गया है तो वीडियो कॉल फ्रेंड हो गया। लाइफलाइन भी हम बदलते रहते हैं। आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। इनमें से क्या सबसे तेज गति से यात्रा कर सकता है? Which of these can travel at the fastest speed? A. Bullet train, B. Moon rocket, C. Motorbike या D. Car? सबसे तेज गति में कौन जाता है? मोटरबाइक तो नहीं है, कार भी नहीं है, ए और बी में कंफ्यूजन है। क्या लगता है आपको कौन सा सबसे तेज जाता होगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे थल लगाएं? बी पे थल लगा जाए। क्या संदेह था आपको? बिल्कुल सही जवाब है आपका। धरती की जो ग्रेविटी है ना, उससे बचने के लिए एक रॉकेट को 40,250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करनी पड़ती है। तो आप एक शिक्षक हैं एक तरह से माना जाए, तो टीचर जो होता है वो
क्या करता है? स्ट्रिक्ट होता है, लीनियंट होता है, क्या होता है? सर, पढ़ाने के टाइम से मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, लेकिन जैसे मेरे दो नाम हैं, मैं जूही हूँ और जया भी हूँ, तो जब मैं जया के रोल पे रहती हूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, और जब जूही के रोल पे रहती हूँ तो नॉर्मल रहती हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन भी था। हमको मालूम है क्या पूछने वाले हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है जया नाम के साथ? सर, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जयजू है, यानी स्ट्रिक्ट भी है और लीनियंट भी है। बच गए भाई साहब, घर जाने हैं, मारना पड़ गया हमको। तो जब वो स्ट्रिक्ट होना चाहती है ना, तो फिर बेहतर है कि आप बाहर ना आए, कमरे में बंद रहें या बाहर चले जाएं कहीं। और जब लीनियंट होती हैं तो बहुत ज्यादा लीनियंट होती हैं, और बच्चों के प्रति भी उनका यही व्यवहार रहता है, सबके प्रति। हमारे प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हैं। क्यों पूछा आपने ये हमसे? अपनी तरफ से तो आपने पूछ लिया। अब वो जो कार्यक्रम हम देखेंगे ना उनके साथ बैठ के, तो डांटेंगी हमको, क्यों आपने बोला अपने बारे में। तो घबराहट होती है, इसलिए हम ज्यादा बात बात नहीं करते हैं व्यक्तिगत। ऑलराइट, जय शारदा जी, आगे चलते हैं। आगे है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? जी सर। ये रहा वो अगला प्रश्न आपके सामने। अंग्रेजी में इनमें से किस जानवर के नर को टस्कर भी कहा जाता है? टस्कर, या इन इंग्लिश द मेल ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ टस्कर। ए एलिफेंट, बी लायन, सी क्रोकोडाइल, डी पीकॉक। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए, हाथी। ए हाथी के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। ये सही उत्तर है। टस्कर तात्पर्य लंबे हाथी दांत से है, जो हाथी के मुंह से निकलते हैं। अच्छा, हमारे ज्ञानना जी बोल रहे हैं कि 4-5 बार जो है आप चाय पीती हैं दिन भर में। जी सर, कई बार उससे ज्यादा भी हो जाता है। उससे ज्यादा भी हो जाता है। क्या ऐसी चीज है जो आपको चाय ही ज्यादा पसंद है? सर, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उससे फ्री होने के लिए चाय सबसे बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, चाय पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है? कम हो जाता है। ये सही है। हाँ? जब कभी भी आप टेंशन में हो खेल के दौरान, हमको बता दीजिए। जरूर सर। हम आपके लिए चाय का प्रबंध कर देंगे। जी सर। अरे भाई साहब, लाइए। बैठे रहिए। पीजिए ना। सर, ये बेस्ट चाय है। बेस्ट चाय है। अभी पिया नहीं, कैसे बोल दिया कि बेस्ट चाय? सर, आपके हाथ से मिली है ना। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब एक काम कीजिए, आराम से बैठिए, चाय पीते रहिए, हम आपके सामने प्रश्न डालते जाते हैं, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि अभी खेल खेल रहे हैं तो चाय कैसे पियेंगे। आप एकदम आराम से रहिए। जी सर। अगला प्रश्न डालने वाला हूँ, 7वां प्रश्न है ये, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पूरे भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च की गई सरकारी पहल का नाम क्या है? What is the name of the government initiative launched by श्रीमती द्रौपदी मुर्मू to provide universal healthcare in India? विकल्प डालने से पहले एक अब विकल्प सुनिए। ए विजय भव,
बी आयुष्मान भव, सी कीर्तिमान भव या डी अतिथि देवो भव। विजयी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, अतिथि देवो भव। सर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ऑप्शन डी और ए तो नहीं है सर, ऑप्शन बी आयुष्मान भव। ताल लगाएं? जी सर। बी आयुष्मान भव पे ताल लगाया जाए। क्या बात है, पहले ही ताली बज गया। ये कमाल है गरम चाय का। कैसी है? इसीलिए चाय पीती हूँ सर। देख रहे हैं कि आप अकेली हैं जो पी रहे हैं चाय, बाकी सब हम लोग ताली बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और जय शारदा जी, आठवां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए आपको। तैयार हो जाइए। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अंग्रेजी साहित्य में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड इनमें से किसके उदाहरण हैं? इन इंग्लिश लिटरेचर विच ऑफ दीज आर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड एग्जाम्पल्स ऑफ? ऑप्शन सुनिए, ए नॉवेल्स, बी ऑटोबायोग्राफीज, सी पोएम्स या डी शॉर्ट स्टोरीज। उपन्यास, आत्मकथाएं, कविताएं या लघु कथाएं? पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, क्या हो सकता है? लाइफलाइन ले सकती हैं आप अगर आपको कष्ट हो रहा हो। लाइफलाइन। शांत हो जाइए मधुमती जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बचाइए जय शारदा जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। सी को दिया है पोइम्स 62%। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही, ऑलराइट। सी पोइम्स कविताएं, ऑडियंस कह रही है सबसे ज्यादा प्रतिशत, लॉक किया जाए। वेल प्लेड, द ऑडियंस इज राइट। जॉन मिल्टन ने इन कविताओं को 17वीं शताब्दी में लिखा था, 17th सेंचुरी में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, पोइम्स। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। तैयार रहिए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गरुड़ को उनके सुंदर पंखों के कारण इनमें से कौन सा नाम मिला था? विच ऑफ दीज नेम्स डिड गरुड़ गेट ड्यू टू हिज ब्यूटिफुल फेदर्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए अर्पण, बी रुद्र, सी सुगंध या डी सुपर्ण। अर्पण, रुद्र, सुगंध, सुपर्ण। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी सुपर्ण। सुपर्ण, यस। डी सुपर्ण पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। सही जवाब है। वेल प्लेड जय पटेल, जय शारदा पटेल। और ज्ञाना जी कह रहे हैं कि जब गरुड़ अमृत लेकर दौड़े तो भगवान इंद्र ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गरुड़ ने उस आक्रमण का सामना किया और इसमें भगवान इंद्र प्रसन्न हुए। तब गरुड़ ने अपना एक पंख छोड़ दिया, जिससे सभी प्राणियों ने देखा और उन्होंने गरुड़ को सुपर्ण कहा। जी सर। सुपर्ण, ओके। एक व्यक्तिगत प्रश्न। जी सर। आप पहले से ही एक शिक्षक बनना चाह रही थी, टीचर बनना चाह रही थी, या आपके मन के अंदर कुछ और आशाएं थी? पहले मैं गिफ्ट शॉप की ओनर थी, जिसको मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी बनी कि पापा जी की डेथ हो गई। उसके बाद फिर हमें
शॉप क्लोज करना पड़ा और शॉप क्लोज करने के बाद टीचिंग बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आया, इसलिए मैंने टीचिंग स्टार्ट की। जी जी, आप घर की सबसे बड़ी हैं? जी सर, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर के। मेरी दो बहनें हैं। दो बहनें और हैं? जी। और उन सबकी देख रेख करते हैं आप? जी सर। So nice. बहुत ही कम उम्र में आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जी सर। बहुत सारी आशाएं आप लेकर के आई हैं। जी सर। उनके बारे में बात कर सकेंगे? सर, शुरू से हम रेंट के घर पे रहे हैं। हाँ। सबसे पहले तो अपना घर बनाना है यहाँ से जीती हुई धनराशि से। मम्मी हमेशा बोलती मेरे को मेरा खुद का बटन वाला घर चाहिए। जैसे पानी वानी चालू कराना रहता है या कोई भी काम रहता है ना, तो नीचे जो लैंड लॉर्ड है उनसे बोलना पड़ता है। तो मम्मी बोलती जो पंप का बटन है ना सर, वो नीचे है, तो उनको बोलना पड़ता है कि चालू कर दीजिए, तब चालू होता है। वो बराबर चलता नहीं है क्या? एक टाइमिंग में सुबह और शाम ऐसा, और बीच में अगर किसी गेस्ट वेस्ट आ गए तो उसके लिए पानी की जरूरत है, तो वापस उनको बोलना पड़ता है। तो मम्मी उसी चीज को बोलती है कि नहीं, मेरे को खुद का बटन वाला घर चाहिए। समझ नहीं आया कि वो बोल रहे हैं हमको बटन वाला घर चाहिए, जिसमें मैं खुद अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकूं। साधारण बात है ये, देखिए कि हमको बटन वाला घर चाहिए। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों का भी देखभाल करना है, आगे उनकी पढ़ाई है वो भी कंप्लीट करना जी, है खुद की पढ़ाई भी आगे कंप्लीट करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर जो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरा करना चाहती हूँ। नहीं, हम आपकी बधाई, आपको बधाई देते हैं, तारीफ भी करते हैं आपकी कि आप ऐसा सोच रहे हैं। अब ये आ गया है 10वां प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है देगा आपको 3,20,000 रुपये। और यहाँ पर आकर के हम सबको ये चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सही उत्तर दीजिएगा, 3,20,000 रुपये जीतिए। ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नेता ने 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? Which of these leaders did not attend the G20 summit held in New Delhi in 2023? Option देखिए, A. Vladimir Putin, B. Joe Biden, C. Rishi Sunak, D. Justin Trudeau. हाल ही की खबर है ये। जी सर। बहुत ही प्रख्यात सम्मेलन हुआ था ये। सर, मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए से लॉक कीजिए। ऑप्शन ए तय कर दिया आपने मन में? जी सर। व्लादिमीर पुतिन ए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. All right. 3,20,000 rupees जीत गए आप, और तालियां बजती रहे इनके लिए। ऐसे ही जानना चाह रहा था मैं जय जी। जी सर। कि महीने भर में आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? ट्यूशन फीस में आप कितना चार्ज करते हैं? सर, क्लास देख के अलग अलग है उसके चार्जेस। जैसे नर्सरी से क्लास 2 तक 300 लेती हूँ, और क्लास 3, 4 और 5 का 400 लेती हूँ, उसके बाद फिर 6th क्लास से 10th क्लास तक 500 लेती हूँ। okay. जिसमें ऐसे बच्चे भी शामिल है सर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनके मैं फीस नहीं लेती सर। okay. ये है हमारा सुपर संदूक का बदलाव। हिंदी में प्रश्न डालूं या अंग्रेजी में? इंग्लिश में। ओके, और तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। तो जय जी, आपका समय शुरू होता है 90 सेकंड अब। विच ऑफ दीज पीपल वुड एम फॉर द 7 समिट्स? स्विमर, माउंटेनियर, कार रेसर, मैराथन रनर? सर, ऑप्शन ए। रॉन्ग। विच ऑफ दीज नंबर प्लेट्स कोड्स डज नॉट रिफर टू एन इंडियन स्टेट? TN, KA, PW, WB? सर, PW। करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी नाइट्स डिड द अरेबियन नाइट्स कंसिस्ट ऑफ? 11? 101। रॉन्ग। नेक्स्ट,
In which language did Mahatma Gandhi write Hind Swaraj originally? Hindi, English, Gujarati, Urdu? Gujarati. Sahi. Next. Where would you find a witness stand? Hospital, police station, court? Adalat si. Bilkul sahi. Usually Dalmatians are found with dark spots on what colored coat? Red, white, blue, green? Dalmatian. Option B. Correct. Sefer. Next. Which of these sports features in the Winter Olympics? Badminton, ski jumping, surfing, boxing? Surfing. Wrong. Option C. Next. Which degree features in the title of a movie starring Sanjay Dutt? MBBS. Sahi, bilkul. Next. Which of these national parks is located in Madhya Pradesh? Jim Corbett, Kanha? Kanha C. Option? B. Option B, Kanha. Correct. Next. Which protein transports oxygen in the human body? Hemoglobin. Collagen, keratin, myosin, hemoglobin? Hemoglobin D. Correct. Well played, Jayaji. सात प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने. काफी मुश्किल थे प्रश्न और जीत गई आप 70,000 रुपए. अब आपने क्योंकि 70,000 जीत लिए हैं, यानी कि 50,000 से ज्यादा, तो आप अपनी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित करवा सकते हैं या ये 70,000 बैंक में डालना चाहती हैं? सर, लाइफलाइन. लाइफलाइन जीवित कराएंगी. ओके. निर्णय ले लिया है जया जी ने कि वो अपनी आस्ती ऑडियंस लाइफलाइन को पुनर्जीवन देंगी, इसको जीवित किया जाए. बहुत बहुत बधाई आपको जया जी. आप एक योद्धा हैं, लड़ रही हैं आप, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए. ये बहुत ही अच्छी बात है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितना भी आप यहाँ से जीत करके जा सकें उससे आपकी जितनी भी आशाएं वो पूरी हो जाएं. खास तौर से बटन वाला घर, बटन वाला घर तो हमने पहली बार सुना. दर्द होता है ये सुन करके कि बटन वाला घर चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की. अब क्या करें इसका. ऑलराइट. ये शारदा जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी. ये जो अगला प्रश्न है ये है 11वां प्रश्न. बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा आप इसे, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क, जीरो रिस्क वाला प्रश्न है. 11वां प्रश्न. 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? Who chaired the first round table conference? Option sunni. A. King George the Sixth. B. Mahatma Gandhi. C. Ramsay MacDonald. D. Dadabhai Naroji. Pratham Golmej Sammelan ki adhyakshata kisne ki thi? सर, ऑप्शन डी तो नहीं है. लाइफलाइन. लाइफलाइन. ऑलराइट. तीनों लाइफलाइन जीवित है, बताइए कौन सी लीजिए. ऑडियंस. ऑडियंस बोल लेंगे. ऑलराइट. ऑडियंस बोल की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं जय जी, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी. प्रश्न थोड़ा कठिन है, बहुत सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब. ए को मिला है 35%, बी को दिया है 24, सी को मिला है 18 और डी को 23. बहुत नजदीकी हैं ये सब. दो लाइफलाइन और भी हैं आपके पास, अगर आप चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सोच लीजिए. प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किंग जॉर्ज द सिक्स, महात्मा गांधी, रैमसे मैकडॉनल्ड, दादा भाई नौरोजी. सर,
दो लाइफलाइन बची हुई हैं अभी भी? सर लाइफलाइन, वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लेंगे, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय जय जी ने तय कर लिया है कि वो वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो तीन नाम आपने दिए थे वो ये है, ज्ञानेंद्र सिंह है, अभिलाष योगेश्वर है और आशुतोष योगेश्वर। अभिलाष योगेश्वर सर। अभिलाष योगेश्वर, उनसे बात करेंगे। ओके, अभिलाष योगेश्वर जी को वीडियो कॉल लगा दें। मित्र हैं आपके? मित्र, हाँ सर। अभिलाष योगेश्वर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? सर सर प्रणाम करता हूँ सर, प्रयागराज से अभिलाष योगेश्वर। अभिलाष जी हमारे सामने जय शारदा पटेल जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ओके सर। इतना बता दें आपको कि इन्होंने एक लाइफलाइन ली थी इसी प्रश्न पर जो कि ऑडियंस बोलती, और उनसे ये सहमत नहीं थी जो उत्तर मिला ऑडियंस की ओर से। अब उन्होंने वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड में आपको बुलाया है और आपसे मांग रहे हैं प्रश्न का उत्तर। तैयार हो जाइए जय शारदा जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रथम गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन किंग जॉर्ज सिक्स, महात्मा गांधी, दादा भाई रामसे मैकडॉनल्ड, रामसे मैकडॉनल्ड, दादा भाई नौरोजी। प्रथम गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? टू चेयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किंग जॉर्ज सिक्स, महात्मा गांधी, रामसे मैकडॉनल्ड, दादा भाई नौरोजी। इसलिए मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मान लीजिए आपका उत्तर गलत भी हो गया दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 3-20 निश्चित है। तो आप चाहें तो एक लाइफलाइन बची उसको ले सकते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर होने चाहिए। खेलिएगा जरूर। लाइफलाइन डबल डिप लाइफलाइन को लेना चाह रहे हैं जो कि बची हुई लाइफलाइन है, इनकी डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। गेम अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं और दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए सर। ए किंग जॉर्ज सिक्स पे ताला लगाया जाए। गलत। दूसरा उत्तर बताइए। बी पे जा रहे हैं, बी महात्मा गांधी पे लॉक किया जाए। नहीं जय जी, ये भी गलत है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 31 के बीच हुआ था और इसका उद्घाटन किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। रैमजे मैकडॉनल्ड। कोई बात नहीं जय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला है, 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी धनराशि जो है आपके काफी काम आएगी और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। कहना मत जाए, इनके लिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 3,20,1,2,3,4 ओके किया, कन्फर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 3,20,000 रुपये, बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। और आज बहुत बहुत बढ़िया। और आज ये भाई साहब इंतजार करते हैं कि यहाँ आएंगे छोड़ देंगे भोपू। बैड लक कंटेस्टेंट्स, आज का खेल यहीं समाप्त होता है और आज का प्ले अलोंग का भी
एपिसोड समाप्त होता है।